नमस्ते फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे पौधे के बारे में बात करेंगे जो आपका जाना पहचाना है और जो घर के अंदर वास्तुशास्त्र की दृष्टि से भी महत्व रखता है और हवा को भी शुद्ध करता है। एक तरह से ये लक्की प्लांट है फ्रेंड्स। सभी मेरे अपने दोस्तों को नमस्कार। सुनीता शर्मा का आप देख रहे हैं चैनल सुनीता शर्मा प्लांट लवर। जी फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे पौधे के बारे में बात करने जा रहे हैं जो अफ्रीका, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में खास तौर से पाया जाता है। आप सभी इस प्लांट को अच्छी तरह से जानते हैं। जी दोस्तों, यह ड्रेसिना का प्लांट है। चलिए, आज की वीडियो होने वाली है खास। आज हम इस पौधे को रंगीन कैसे बनाएं, इतना खूबसूरत कैसे बनाएं, इतना घना कैसे बनाएं, और कैसे करें इसकी केयर, कैसे इसकी ग्रो करें, कौन सा इसको फर्टिलाइजर दें, सारी विषयों पर आज बात होने जा रही है। जी फ्रेंड्स, ये एक वो पौधा है जो 10 फीट तक की ऊंचाई तक पहुंच जाता है। इस पर सफेद रंग के फूल आते हैं। जी, सफेद रंग के फूल आते हैं जो धीरे धीरे करके पर्पल कलर के हो जाते हैं। मेरे यहाँ भी अभी इसमें कुछ फ्लावरिंग हुई है। इसकी पत्तियां बहुत सुंदर सी लगती हैं और बहुत ही खूबसूरत सी इसकी पत्तियां होती हैं। देखिए, अभी हवा चल रही है और हवा में नाचते हुए, नृत्य करते हुए, थिरकन करते हुए ये पौधे बहुत सुंदर लग रहे हैं। ये इंडोर में रखा गया है। जी, इंडोर में, यानी थोड़ी सी इस पर ब्राइट लाइट ना पड़ के थोड़ी सेमी शेड एरिया में रखे हुए होने के कारण इतनी सुंदर इसकी लीव्स आप देख पा रहे हैं। जी, तो ड्रेसिना की बहुत सारी वेराइटीज हैं। ड्रेसिना मार्जिंटा, ड्रेसिना कर्डिलाइन, इसकी बहुत तरह की वेराइटीज हैं। जी, और इसको लगाया जाना भी बहुत आसान है। मेरे पास में भी कुछ एक पौधे थे और धीरे धीरे करके मदर प्लांट से आज मैंने कई सारे पौधे लगा लिए हैं। चलिए, हम इस पौधे की लाभ की बात कर लेंगे कि इस पौधे से हमें क्या लाभ मिलने वाला है। जी, ये पौधा इतना महत्वपूर्ण है कि आपके भाग्य को उदय कर देगा, धन लक्ष्मी समृद्धि लाने वाला ये पौधा है। हम नहीं कहते, जी फेंगशुई का वास्तुशास्त्र कहता है कि घर के अंदर पॉजिटिव वाइब्स लाने वाला ये पौधा है। घर, जिस घर के अंदर ये पौधा लग जाता है, समृद्धि आती है और नेगेटिविटी दूर होती है। तो इंडोर प्लांट में से अगर आप कुछ पौधों को लगाने की बात सोच रहे हैं तो इस पौधे को जरूर आप लगाइए, क्योंकि इंडोर में जितना भी पोल्यूशन होता है उस पोल्यूशन को दूर करने का ये काम करता है, यानी हवा को शुद्ध बनाता है। जी हाँ, ये ड्रेसिना प्लांट है। तो एक तरह से वैसे भी सुंदर लगता है, घर के अंदर लगाया तो आपने आपके रूम का डेकोरेशन हो जाता है और साथ ही साथ में जो पोल्यूशन होता है इंडोर का वो खत्म हो जाता है। अब चलिए, इसके रख रखाव की बात कर लें। अगर आप कम रख रखाव, आपके पास में किसी पौधे के रख रखाव का समय नहीं है, तो आप इस पौधे को अपनी लिस्ट के अंदर शामिल कर सकते हैं, अपने घर में लगा सकते हैं। यदि आप बार बार में किसी पौधे को पानी नहीं दे सकते हैं, लिमिट में पानी दे सकते हैं, बार बार में फर्टिलाइजर नहीं करना चाहते, तो आप इस पौधे को लगा सकते हैं। जी, कहने का मतलब यह है कि इसको कमी पानी की जरूरत होती है, लिमिट में पानी की जरूरत होती है, लिमिट में धूप की और लिमिट में इसको फर्टिलाइजर देने की जरूरत होती है। चलिए, अब हम बात कर लें कि इसे कौन से पॉटिंग मिक्स में लगाया जाए। जी, मैं ये जो भी प्लांट है ड्रेसिना के, चाहे कोई भी वेराइटी हो, उसमें 30% गार्डन सॉइल ऐड करती हूँ, 30% कंपोस्ट और 30% रिवर सैंड, और जो शेष 10% बचता है उसमें डालती हूँ मैं नीम खली और कोकोपीट। जी, लेकिन एक चम्मच साफ का फंगिसाइड डालना नहीं भूलते। जी, ताकि किसी भी तरह का कोई भी फंगस वगैरह का अटैक नहीं हो। और अभी गर्मी के दिन है, देखिए ये इसके फ्लावर देख रहे हैं आप, इस तरह के इसके फ्लावर्स होते हैं। पहले सफेद होते हैं लेकिन धीरे धीरे करके ये इस तरह के पर्पल कलर के हो जाते हैं। जी, और तो हम बात कर रहे थे इसकी मिट्टी तैयार करने की। तो मिट्टी जो है इसकी तैयार करते हैं, उसमें 30% लिवर सेंट और 30% कंपोस्ट और 30% गार्डन सोइल लेकर के 10% के अंदर नीम खली कोकोपीट ऐड कर देते हैं। साथ ही एक चम्मच फंगीसाइड डालती हूँ जो साफ का डालती हूँ, और एक चम्मच डालती हूँ दालचीनी पाउडर, क्योंकि गर्मियां हैं, गर्मियों के अंदर चींटियां आ जाती हैं, जनरली गमले को खोखला कर देती हैं,
तो दालचीनी पाउडर डालने का ये फायदा है कि एक तो इस पर किसी तरह का कोई छोटे छोटे से जो इंसेक्ट्स होते हैं वो अटैक नहीं करते, और दूसरा हमारी मिट्टी को खराब करने के लिए दालचीनी की महक से चींटियां दूर रहती हैं। चलिए अब हम बात कर ले कि इसकी कैसे कटाई छटाई करें। फ्रेंड्स, इस तरह की ये जो काफी मोटी हो जाती है ब्रांचेस, उसकी कटिंग करके आप अपने प्लांट को बुशी बना सकते हैं, क्योंकि लंबी लंबी टहनियों की बजाय इस तरह से गुच्छेदार पौधा अगर आप ले पाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही सुंदर सा लुक देता है। मदर प्लांट से आप ऐसी कटिंग कर लीजिए, लगभग एक पेंसिल जितनी मोटी होनी चाहिए, और उसको दूसरी जगह आप लगा सकते हैं, या उसी गमले के अंदर लगा करके भी आप थोड़ा सा अपने गमले को एक अच्छा हेल्दी होने का एहसास करा सकते हैं। तो चलिए ये कटाई छटाई की भी बात हो गई, अब हम बात करते हैं कि इसको पानी की कितनी जरूरत होती है। जी, यह वह पौधा है जो नमी पसंद करता है, नमी पसंद करता है, लेकिन हरदम पानी भरा रहना इसको पसंद नहीं है। हरदम पानी रहेगा, ओवर वाटरिंग होगी तो पत्ते जो है थोड़े से सड़ने गलने लगते हैं, इसलिए इसमें जब थोड़ा पानी सूख जाए तब पानी दीजिए, और इतनी मात्रा में दीजिए कि नीचे से निकल जाए, ये बहुत जरूरी। तो फ्रेंड से इसे न ओवर वाटरिंग पसंद है, न बहुत ज़्यादा धूप पसंद है, न बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर में इसमें एनपीके 90-90-90 जो है अभी फरवरी के अंदर दिया था, और उसके बाद की आप ये ग्रोथ देख रहे हैं। जी, एनपीके इसे अच्छा पसंद है, और आप लिक्विड फर्टिलाइजर भी दे सकते हैं। और इस तरह से हम केयर करते हैं तो इतनी बेहतरीन लीव से इतनी हेल्दी प्लांट आप ले पाएंगे। जी दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अभी भी आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं, अभी भी थोड़ा सीजन है। हाँ, इसे पानी के अंदर भी आप लगा सकते हैं, पानी में आप इसकी कटिंग तैयार कीजिए, और फिर बाद में पोटिंग मिक्स तैयार करके आप उसमें, जब रूट्स निकल जाएं, लगभग 8-10 दिन लगते हैं रूट्स निकलने में, और उसके बाद में आप इसे जो है ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, अब दीजिए इजाज़त। बहुत सुंदर सा प्लांट है, साथ ही साथ आपके घर में पॉजिटिव ऊर्जा बढ़ने वाला, नेगेटिविटी को खत्म करने वाला, पोल्यूशन को खत्म करने वाला, न जाने कितने ही गुण समेटे हुए है ये पौधा। तो ज़रूर आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई होगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही साथ इस तरह की प्लांटेशन करने के लिए तैयार हो रहिए। जय हिंद, जय भारत।